सो हेलो दोस्तों, आप देखने वीडियो के साथ वापस से। गाइस मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस सीजन कौन से रैंक पुश कर रहे हैं, डुओ सोलो या स्क्वाड में, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रैंक पुश करना बंद कर दिया हूँ कुछ टाइमों से। मैं डुओ में रैंक पुश कर रहा था, बता दूँ आप लोगों को, तो इतने सारे हैकर्स मिल रहे हैं, मैंने रैंक पुश करना ही बंद कर दिया। लोग ओरिजिनल आईडी पे एम बोर्ड वगैरह लगा के आ रहे हैं और बैन होने का रिपोर्ट किया, तो बैन होने का कोई सीन ही नहीं रहेगा अभी तक का। अपने गेम लॉन्च हुआ, आप देख सकते हैं गेम लॉन्च हुआ इतना टाइम हो चुका, लेकिन अभी भी उन लोगों का हैकर्स के अगेंस्ट जो बैन का बैन इम्प्रूव नहीं हो पाया उन लोगों का। हो गई है तो दूसरे लास्ट जो स्क्वाड बचा है वो हम लोगों के ऊपर पुश करती थी, उसमें एक बंदा आता अकेले पुश करने, तो उसको मैंने फिनिश कर दिया है। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी स्क्वाड एक साथ में नहीं रस कर रही है, एक एक करके आ रही है, जो एक साथ में पुश करता है उसको मेरा टीम मेट ने ही नॉक कर दिया है, उसको मैं फिनिश करता हूँ और यहाँ पर थोड़ी बहुत बॉटम लटी करता हूँ। उसके बाद बाहर से एक फुस्टेप आता है, यहाँ पर मेरे मिलता हुआ उसको फिनिश किया। अब पीछे देखिए, एक बंदा फुट स्टेप दे रहा है और बोट फायर कर रहा है, देखो गाइस मुझे इतना डैमेज कर दिया ये बोट फायर करके, बहुत स्कैम करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, मैंने इसको बजा दिया यहाँ पर। तो गन वन लूटते हैं, तो गाइस मैं बता दूँ मेरा ये जो टीममेट है ये मुझे एक भी लूटने दिया, वेस्ट हेलमेट कुछ भी नहीं यहाँ पर, फिर बोट है ये मुझे मतलब एक भी चीज़ लूटने नहीं दे रहा, सारा चीज़ ये लूट ले रहा है ना, मुझे अभी तक वेस्ट मिल रहा है ना, हेलमेट मिला ना गन ढंग की मिली है अभी तक। अब मेरा टीममेट देखिए पीछे से, वो एक जो नई कार आई है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, वो मतलब हाइपर लर्न को बीट कर देता है स्पीड को, रफ्तार वो भी बहुत स्पीड में आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। अब आगे देखेंगे आप लोग कि वहाँ पे अगला जो स्टेशन है वहाँ पर तीन बंदे मतलब एक स्क्वाड कैंप करके बैठी हुई है, जबकि कोई आएगा बस उसको बजा देंगे। यहाँ पर देखिए उनका क्या हालत है, ये मेरा टीम थोड़ा सा डैमेज हो गया है, अटैक करता हूँ किया, अगेन मैं कवर लेता हूँ, एक बंदे को मेरे टीम मेट ने नॉक कर दिया है बंदा पर रस करते हुए। मेरा सिर्फ 6 MO था, मैंने 6 MO में इसको निपटा दिया। पता नहीं उनका एक और बंदा कहाँ पर कहीं और पे है, रैंक पुश कर रहा है वो भी अकेले सेफ जगह पर उतर के। इसको फिनिश करते हुए इसको मोटा मोटी करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब गाइस देखो यहाँ पर जब हम लोग गुजर रहे हैं तो यहाँ पे एक बंदा चुपचाप कैंप कर रहा है, कुछ भी फुट स्टेप नहीं देता ना फायर करता है। हम लोगों का गाड़ी यहाँ पर मतलब ब्रेक फेल भी हो गया था, अब हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो वो अचानक से फायर करेगा, मतलब कि फाइट लेना है तो डायरेक्ट ये करो नहीं, वो धीरे से फायर हो जाता है या मिस फायर हो जाता है उसका पता नहीं, वो कैंप कर रहा था बंदा। उसके बाद हम लोग जाएंगे वो भी घुमा करके गाड़ी। Watch out! अंदाजे से एग्जैक्ट इसी बिल्डिंग में वो बंदा कैंप कर रहा है, उसका फुटस्टेप भी आ रहा है। मैं यहाँ पे एक नेट का पिन खींचता हूँ उसको डराने के लिए ताकि वो नीचे आ जाए, लेकिन मेरा जो प्लेयर है, मेरा जो टीममेट है, वही ऊपर चला जाता है और वो इस नेट से नॉक हो जाता है, जबकि उसे एनिमी को नॉक होना था। यहाँ पर मैंने इसको बजा दिया, ये सोलो बंदा था, स्क्वाड में सोलो रैंक पुश कर रहा था शायद, कैंप कर रहा था बेचारा। मैं इसको रिवाइव करता हूँ, अब इसकी आवाज़ सुनो। यहाँ पर मुझे पता चलता है कि एक छोटा बच्चा है। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है स्क्वाड में रैंक पुश कर रहा है, मुझे पता नहीं, मुझे एक भी चीज़ तब से लूटने नहीं दे रहा था, अब जाके मुझे ढंग की गन मिली है और मतलब बोले तो से अभी भी मुझे वेस्ट नहीं मिल पाया, ये सारा चीज़ लूट ले रहा है, जो भी चीज़ मिलता सब कुछ लूट देता है ये।
भी मिलते हुए इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करके फिर हम लोग अब जाएंगे पोचिंग की तरफ। शुरू में बहुत ज़्यादा फाइट हुई है, अब देखो गाइस यहाँ पर एक बंदा आएगा कार ये लेकर के, नो फिनिश कर दिया यहाँ पर। अब ये देखो ये एक हाइपर लाइन के लाइन पे मतलब गाड़ी को रोक दिया है, तो इसकी गाड़ी का जब हाइपर लाइन आएगी तो इस गाड़ी के साथ क्या होने वाला वो मैं आपको आगे दिखाने वाला, बहुत ही फनी मोमेंट है, आप लोग देखना आगे। और उसको सीधा धक्का मार करके उस घसेक के ऊपर चढ़ा दिया उस गाड़ी को, ये तो गजब सीन था ये। वो भाई क्या हुआ, ये गाड़ी से कहां फंस गई भैया। हमारे आगे वाले कंपाउंड से एक गन का साउंड था, अब हम लोग जाते हैं देखने के लिए उधर। मैंने जिस तरफ से फायर आया उस तरफ मतलब स्कोप ओपन आउट करके देखा मैंने, लेकिन कोई भी मुझे दिख नहीं रहा है, ऊपर से नेट भी गिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अब मैं भी एक नेट या अंदाजे से यहाँ पर फेंकता हूँ, तब मुझे दिखता है एक बंदा इधर से भागते हुए, वो देखिए। अब इसका मैं पीछा करते हुए जाता हूँ कवर लेते हुए, दो बंदे हैं ये, दो या शायद तीन बंदे हैं। मैं यहाँ पर एक टीम से नॉक किया, अब अगला बंदा मुझे रस करने आएगा, मेरा टीम मेट आगे आ जाता है, उसको मैं बली का बकरा बनाता हूँ, ये खत्म। अब मैं यहाँ पर जैसे गन लूट रहा था तो मुझे M24 से किसी ने शॉट बॉडी हिट किया, तब मैं यहाँ पर फिर घूम करके देखता हूँ, यहाँ पर स्कोप इन आउट करके देखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तो मैंने स्कोप इन आउट करके देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं सोचा जोन भी बहुत दूर है तो मैं चला ही जाता, बाकी मुझे एक नई वाली बाइक जैसी कुछ मिलती है इसमें चढ़ करके, भाई इसका मतलब पिकअप स्टेबल सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, ये बाइक से तो काफ़ी अच्छी चलती है मतलब आदमी में। तो मैं इस अपार्टमेंट की तरफ जाता हूँ, अपार्टमेंट की तरफ भी मुझे कोई फुट स्टेप वगैरह कुछ भी नहीं आती, तो मैं और आगे जोन के अंदर एकदम मिडिल में चला जाता हूँ। अब ये जो जगह है गाइस ये मैं यहाँ पर जोन के एकदम मिडिल में आ गई, ये मतलब बहुत बेस्ट जगह है, ये मैं चारों तरफ चेक कर लेता हूँ कहीं पर भी कोई बंदा नहीं था, तभी इस तरफ से फायर आता है मेरे, तो मैं घूम के जाता हूँ क्योंकि उन लोगों को तो जोन में आना ही पड़ेगा, उन लोग जोन के बाहर ही फाइट ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक बंदा दिखता है पत्थर के पास आते हुए, तो मैं उसको लेट करके स्प्रे देता हूँ। एक को ही नॉक कर दिया यहाँ पर, उसको मैंने फिनिश करने की कोशिश किया, लेकिन मेरा दिल का सेंसिटिविटी पता नहीं अचानक से इतना खराब हो गया है कि मतलब इसको नॉक फिनिश कर नहीं पाया।
यहाँ पर आगे जा करके मैं इसको फ्लैंक करके थोड़ा फिनिश करने की कोशिश कर किया है, लेकिन एक भी फिनिश नहीं हो पा रहा सर। हो जा रहा है एक AWM का शॉट पड़ने के बाद मेरा वेस्ट और भी डैमेज हो चुका है, तब मैं यहाँ पर एक शील्ड लगा देता हूँ। शील्ड लगाने के बाद मेरा बंदा एक AWM से एक बंदे को फिर से नॉक करता है। मेरा हेलमेट उन लोगों ने तोड़ दिया है, अब मेरे पास फेस भी डैमेज है और हेलमेट तो है ही नहीं। अगेन मैं यहाँ पर नॉक होते हुए मिनी 14 से, क्योंकि मैंने हील भी नहीं किया था अच्छे से, और अगेन मेरा फेस टू भी डैमेज, मेज भी नहीं रहा और हेलमेट भी नहीं रहा। अब मेरा यहाँ पर बचना, मैं अगर फाइट लेता हूँ खुल के तो मेरा यहाँ पर बचना नामुमकिन है, थोड़ा सा छुप छुप के ही खेलना पड़ेगा। अगेन मुझे यहाँ पर AWM का फटका पड़ा, वो लोग फ्लैंक कर रहे धीरे धीरे, तो मैंने सोचा कि मैं पीछे ही चला जाता हूँ। तीन लोग से फाइट लेना बेवकूफ़ी होगी, ना मेरे पास वेस्ट है, ना हेलमेट है, ना हीलिंग्स है, ना गन की एमओ है। अब यहाँ पर गाइस मुझे इतनी कोशिश करता हूँ, बट मुझे एक या दो मिनट लगी है बस मैं फिनिश हो जाता हूँ। और साथ में मेरा टीममेट भी पता नहीं कैसे फिनिश हो जाता है, एक नेट भी आया था, पता नहीं मेरे टीममेट ने किया या किसी एनिमी ने छुप के किया। तो आई होप आप लोगों को आज का ये गेम प्ले अच्छा लगा होगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें 1000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुँचने के लिए। सो तब तक के लिए गुड बाय।